जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। 7 जुलाई रविवार के दिन पड़ रही है रवि पुष्य नक्षत्र। रवि पुष्य नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। सारे नक्षत्र एक तरफ और जितने भी शुभ दिन हो वो उनको एक तरफ रख दे, और पुष्य नक्षत्र जब आ जाए वो एक तरफ, इसकी तुलना उनके बराबर नहीं की जा सकती। इसलिए कि ये जो योग और ये जो पुष्य नक्षत्र होता है बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है। पुष्य नक्षत्र मैं आपको बता दूं कि शनि का ही नक्षत्र होता है, और जब शनि देव प्रसन्न हो जाए जिसकी भी कुंडली में, जिसके भी घर में ना, आप ये सोच लीजिए कि रंक को वो राजा बना देते हैं, और राजा को अगर वो प्रसन्न नहीं है, किसी भी प्रकार से क्रोधित है, तो राजा को रंक बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर आपके पास धन आवक आती है, आपके घर में बरकत है, तो शनि देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इसलिए कि वो न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता, आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। और जब आपके घर में सुख समृद्धि बरकत सब कुछ है तो आपको आपके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त हो रहा है, शनिदेव आप पे प्रसन्न है। तो अब पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं। पुष्य नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, और ये जो 7 जुलाई रविवार के दिन आ रहा है रवि पुष्य नक्षत्र, ये बहुत ही ज़्यादा खास है। पुष्य नक्षत्र में कोई भी वस्तु खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ दिन होता है। इसका मुहूर्त बहुत ज़्यादा शुभ होता है, किसी दुकान का उद्घाटन करना हो, घर का मुहूर्त हो, गृह प्रवेश हो, कोई पूजा पाठ आपने करवानी हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। अब जो ये जो पुष्य नक्षत्र आया है रविवार के दिन, तो इस दिन ऐसा कुछ खास क्या उपाय कर ले जिससे कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। देखिए, कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं, ये आपको पता है, शुभ दिन है, कुछ मुहूर्त है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ कर सकते हैं, मगर हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ इच्छा होती है, वो कुछ चीज़ अचीव करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। जब आपको लगता है कि आपने कुछ पाना है और उसे आप पा नहीं पा रहे हैं, आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, तो ये जो रवि पुष्य नक्षत्र आए बहुत ही दुर्लभ योगों में आए, और साथ में ही गुप्त नवरात्रि चल रही, बहुत ही पावन दिन है। इन पावन दिनों में ये है रवि पुष्य नक्षत्र, तो वो भी रविवार के दिन। ऐसा खास उपाय जो आपकी वह मनोकामना, वो इच्छा को पूर्ण करेगा। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको 2 तेज पत्ते चाहिए, 2 तेज पत्ते का अचूक सा उपाय। आप क्या करेंगे, तेज पत्ता ले लेंगे। अब आपको मैं ये भी बता दूँ, ये उपाय किस समय करना है, आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह कर लीजिए, रात्रि में कर लीजिए, दिन में कर लीजिए, जब भी आपको लगता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं और आप अब कर सकते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर वो समय आप बैठ के कर लीजिए। 2 तेज पत्ते लेंगे, मगर तेज पत्ता कटा नहीं होगा, साफ सुथरा तेज पत्ता ले लेंगे। अब आप क्या करेंगे, उन तेज पत्तों को आपने ले लिया, अब आप अपने मंदिर के पास जाके बैठ जाइए। आपको एक काले रंग का पेन चाहिए और एक आपको लाल रंग का पेन चाहिए, थोड़ा सा आप कपूर ले लीजिए। अब आपने करना है कि सबसे पहले आप जो चाहते हैं कि आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो, या कोई ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन से बाहर चली जाए जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा था, आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश चल रहे थे, आपके कर्ज बहुत ज़्यादा है, इस तरह की कोई रोग बीमारी है, जो भी आपको लगता है कि आपके जीवन से दूर चली जाए, आपने वो चीज़ें काले रंग के पेन से एक तेज पत्ते के ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, ये आपने लिख दिया कि आपके जीवन से वो चीज़ें दूर चली जाएं। अब आपने दूसरा तेज पत्ता ले लेना है, तेज पत्ते पे आप क्या करेंगे, लाल रंग के पेन से अब आप जो अचीव करना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, बहुत पैसा मिल जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी जल्दी शादी हो जाए, जो भी, या मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसमें अच्छे रिजल्ट मुझे मिले, अच्छा परिणाम मिले, किसी भी प्रकार से आपके करियर में बहुत ज़्यादा तरक्की हो, जो भी आप चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, आपने लाल रंग के पेन से उस पर लिख देना है। आपने लिख दिया, लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, उस तेज पत्ते को आपने जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिनको जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, आपने इस तेज पत्ते को उनकी फ़ोटो के बैक साइड पीछे की तरफ तेज पत्ते की को रख देना, फ़ोटो विग्रह प्रतिमा जो भी होता है आप उनके पीछे इस चीज़ को रख दें। अब आपने दूसरी चीज़ जो जिस पे काले पेन से आपने लिखा कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, अब आप कोई भी बर्तन पात्र कुछ भी ले लें, उसमें उसे रखें और कपूर जलाएं। अब इस तेज पत्ते को पूरा आपने उसमें जला देना है। अब इसकी जो राख मिलेगी आपको, उस राख को आपने वॉश बेसिन में बहा देना है। बस ये छोटा सा काम आप पुष्य नक्षत्र के दिन करें, आपकी कोई इच्छा जैसी मैंने आपको बताया,
जो नहीं हो पा रही है पूरी वो अवश्य ही पूरी होगी। और जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दूर चली जाए, नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ें, वो आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। ये जो पुष्य नक्षत्र आया है बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ योगों में आ रहा है, तो इस दिन ज़रूर से ज़रूर ये छोटा सा उपाय 2 तेज पत्ते का करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा कुछ खास ऐसे ज्योतिष उपाय लेकर आती हूँ जिनको आप अगर करते हैं सच्चे मन से तो जीवन की काफ़ी समस्याएँ आपकी दूर होती हैं। चलिए मुझे आगे दीजिए, फिर आते कुछ ऐसे खास ज्योतिष उपाय के साथ में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।